ये वीडियो देखने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें ज्ञानी इनफ चैनल को और प्रेस कर दें बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज। तो ये है दोस्तों Hyundai Venue का ई मॉडल जो आप लोग बहुत समय से पूछ रहे थे, तो फाइनली अभी अवेलेबल हो गया है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञानी इनफ और आज इसका डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू यहाँ पे करेंगे। सारे फीचर स्पेसिफिकेशन जानने के लिए वीडियो एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको गाड़ी अच्छी लगती है तो ज़रूर इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। साथ में आप अगर इसकी टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लिंक है, वहाँ जाके अपना टेस्ट ड्राइव इंटरेस्ट दे सकते हो, घर बैठकर आपकी टेस्ट ड्राइव बुक हो जाएगी। यहाँ पे आपसे ये भी बोलना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा, जैसे कि आपको उसके और भी मॉडल्स देखने हैं तो उसके भी लिंक्स मैं लगा दूंगा। लगभग सारे मॉडल्स अब रिव्यू हो गए हैं और जो एक आध बचा भी हुआ है वो भी आपको धीरे से चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो इसकी फ्रंट प्रोफाइल है वो आप देख रहे हैं, तो अच्छे से पूरा इसका जो फ्रंट रिव्यू है वो यहाँ पर ले सकते हो, फ्रंट आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जैसे कि बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, कुछ अलग सा डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है Venue में। पहले भी जो इसके मॉडल्स रिव्यू करे हैं लोगों ने अपनी जो सजेशंस थे वो यही दिए थे, जो अपनी थिंकिंग थी यही बताई थी। बाकी अब पास में चलते हैं और एक पूरा जो राउंड है जैसे हमेशा आपको मैं देता हूँ तो पूरा आप क्लोज़ व्यू यहाँ पर ले सकते हो। नीचे आप देखते हैं पहले, तो ये पहले डाउट था कि ये DRL है लेकिन अब ये इंडिकेटर है, ये क्लियर हो गया था बाद में। बाकी नीचे आते हैं तो आपके हेडलैम्प्स हो गए, यहाँ पे आपको कोई DRL नहीं मिलता, उसके लिए आपको टॉप एंड खरीदना पड़ेगा। नॉर्मल आपको यहाँ पे हेडलैम्प्स दिए गए हैं और जो आपकी बॉर्डरिंग है ये भी आपको नॉर्मल क्रोम फिनिश पे दी गई है। अब यहाँ पे दोस्तों जो इसकी ग्रिल है वो आपको दिखा देते हैं, तो बहुत ही ब्रॉड ग्रिल आप यहाँ पे देखते हो और इधर जो टॉप एंड से आपको जो डिफरेंस मिलता है यहाँ से जो क्रोम इंसर्ट्स हैं वो हटा दिए गए हैं और जो Hyundai की ब्रांडिंग है वो आपको वैसे ही ब्रॉड यहाँ पे देखने को मिलती है। फ्रंट की अब यहाँ पे काफ़ी बढ़िया से बात हो गई, काफ़ी अच्छे से बात हो गई है। अब जो गाड़ी का साइड प्रोफाइल है वो यहाँ पे दिखाएंगे, तो गाड़ी का जो साइड प्रोफाइल है वो आप देख सकते हैं। तो इधर आप इसका जो पहले टायर है वो आप देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल व्हील्स दिए जाते हैं, जो इसका साइज़ है 195/65 R15। तो यहाँ पे आपको अलॉयज़ वगैरह नहीं मिलते हैं, उसके लिए आपको टॉप एंड खरीदना पड़ेगा। क्लैडिंग आप देखते हैं तो पूरी आपकी फ्रंट से लेके साइड्स में कैरी करी गई है, जो अच्छी बात है। और यहाँ पे जो इसका इंडिकेटर है आपको साइड बॉडी में इनकलकेटेड मिलता है, आपको ये ORVM में नहीं मिलता है। ORVM आपके दिए गए हैं आपको ब्लैक एंड फिनिश पे, डस्की फिनिश यहाँ पे यूज़ करी गई है। जो आपके डोर हैंडल्स हैं ये आपको मिलते हैं बॉडी कलर के ऊपर, बाकी क्लैडिंग्स हैं तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट हो जाएगी, जैसे आपने Hyundai की लगभग हर गाड़ियों में देखा है ये फीचर प्रोवाइड करते हैं। साइड हमेशा मैं आपसे बोलता हूँ कि हल्का सा आपको क्रेटा जैसा लगेगा अगर आप ये गाड़ी देखते हो, आपके क्या व्यूज़ है ज़रूर बताइएगा। बाकी आपका जो फ्यूल इंटेक एरिया है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब गाड़ी का जो रियर प्रोफाइल है वो यहाँ पर देख रहे हैं, तो रियर का आप आइडिया ले सकते हैं, रियर प्रोफाइल आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो हाई स्टॉप लैंप है, डिफॉगर वगैरह, रियर वाइपर वगैरह आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। बाकी इधर आपके जो टेल लैंप हैं वो आप देख सकते हो। डिज़ाइन इसका मैंने आपसे बोला था, आप अपने व्यूज़ बताइए कि आपको ये कैसे लगते हैं, बढ़िया लगते हैं कि नहीं लगते हैं। काफ़ी लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए थे जो इसके और भी मॉडल्स मैंने रिव्यू करे हैं। बाकी जो Hyundai Venue की ब्रांडिंग है वो आप देखते हैं पूरी ब्रॉड क्रोम पर आपको देखने को मिलती है। आपके जो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हो गए, अब यहाँ पर जो इसका टेल गेट है वो ओपन कर लेते हैं और इसकी जो स्पेस है वो आपको दिखा देते हैं। तो एक कॉम्पैक्ट गाड़ी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया सी स्पेस आप देख सकते हो, बहुत ही ब्रॉड स्पेस यहाँ देखने को मिलती है और बहुत ही डीप दी गई है, अच्छी बात है ये। और काफ़ी लोग अब तक Venue खरीद चुके होंगे, टेस्ट ड्राइव ले चुके होंगे, तो आप भी अपना जो एक्सपीरियंस है, जो आपका सोचना है, थिंकिंग है, वो ज़रूर शेयर करिएगा। हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी थिंकिंग। बाकी यहाँ पे जो इसकी रूफ़ है वो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको जो पैटर्न है वो प्रोवाइड करा गया है, रूफ रेल्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने में नहीं मिलती हैं। यहाँ पे जो इसका एक्सटीरियर था वो पूरा आपसे शेयर कर दिया है। अब गाड़ी का जो अदर साइड है वो रह गया था, तो वो भी आपको दिखा देते हैं, जो आप जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं ड्राइवर साइड, तो ड्राइवर साइड आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे चलते हैं अंदर और जो इसका इंटीरियर है वो आपको दिखाते हैं, तो हमेशा की तरह पहले आप बाहर से पूरा व्यू ले सकते हो और यहाँ पे जो इसकी की है पहले वो भी देख लेते हैं। तो आपको दोनों कीज़ यहाँ पे नॉर्मल प्रोवाइड करी गई हैं, ये आप देख सकते हो, नॉर्मल कीज़ आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। अब इसका जो डोर है पहले वो देख लेते हैं, तो आपकी डोर पॉकेट्स हो गई, आपके पावर विंडो कंट्रोल हो गए, केवल फ्रंट वाले आपको दो यहाँ पे दिए गए हैं। आपका जो डोर हैंडल है खोलने के लिए सिल्वर फिनिश पे है। इधर आपका जो मिरर एडजस्टर है आपको ये मैनुअली करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। सीट एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं तो आपको केवल यहाँ पे बैक एडजस्ट दिया गया, हाइट एडजस्ट नहीं दिया गया। जैसे मैंने आपसे बोला लोअर मॉडल है, तो आपको अगर वो सब फीचर्स चाहिए तो आपको इसके टॉप एंड खरीदने पड़ेंगे, तो ये बात आप ध्यान में रखिए। बाकी अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर बैठकर बात करेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। वैसे तो बेस मॉडल है जैसे मैंने आपको बताया, तो नॉर्मल फीचर्स ही दिए जाएंगे, इतना कोई यहाँ पे हाई एंड फीचर्स नहीं मिलने वाला है। जैसे आप देख रहे हैं आपका मिरर सिस्टम यहाँ पे नहीं है, वो आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। तो बाकी जो इसके हेडरेस्ट हैं ये आपको एडजस्टेबल दिए गए हैं, ये आप देख सकते हो, और पीछे वाले भी पीछे चेक कर लेंगे।
तो यहाँ पे अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर बैठकर आपसे बात करते हैं। यहाँ पे अब जो आप वेन्यू का बेस मॉडल है उसके मैं अंदर आ गया हूँ, अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप पहले पूरा जो डैशबोर्ड है वो आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपसे बाहर से बोला था कि बेसिक पूरा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हाई फंक्शनैलिटीज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी, जैसे कि आपका ब्लू लिंक वगैरह है या आपका सिस्टम है वो सब यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप टॉप एंड खरीद सकते हो। यहाँ पे दोस्तों अब जो पहले अपर पार्ट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप रीच देख लीजिए, बहुत ही ब्रॉड आपको दिया गया है और मटेरियल क्वालिटी भी रेंज के हिसाब से बढ़िया मिलती है। ये आप जो रगेड फिनिश है वो यहाँ पे देखते हैं, डॉटेड फिनिश, ये काफी बढ़िया लगती है। अब इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो आपको दिखा देते हैं। तो आपको ये चेंज्ड मिलता है, जो टॉप एंड में आपने देखा था वो आपको अलग मिलता है, यहाँ पे आपको दूसरी डिजाइन देखने को मिलती है। और इसका जो एक फील आता है वो पूरा स्पोर्टी सा लगता है, जो मैं यहाँ पे देखता हूँ, जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इधर आपका जो डिजिटल डिस्प्ले है वो आप देख सकते हो। तो आपका जो टेम्परेचर मीटर है, फ्यूल गेज है, आपका जो डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह, ये सब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ले पाओगे। और बहुत ही पूरा क्लियर व्यू मिलता है, बहुत ही ब्रॉड व्यू मिलता है, काफी बढ़िया लगता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, तो इधर आपका जो वाइपर का टॉगल है वो आपको दिया गया, इधर आपका इंडिकेटर और लाइट का टॉगल है। यहाँ पे दोस्तों जिसकी स्टेयरिंग है वो आप देख सकते हैं। तो आपको लगभग बेसिक एक ही टोन देखने को मिलती है, बस यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट दे दिया गया है, कोई भी कंट्रोल नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका मीडिया सिस्टम नहीं है। तो आप अगर अलग से भी लगवाते हो तो आपको अपने आप ही कंट्रोल करना पड़ेगा सिस्टम के पास जाके, यहाँ पे कोई भी आपको बटन्स नहीं मिलती हैं। अब बाकी जो लाइट एडजस्टमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, की मैंने दिखा दी थी। एसी वेंट्स में आपको वही डिजाइन दे दी गई है जो आपने इसके और वेरिएंट्स में देखी है, सिल्वर बॉर्डरिंग यहाँ पे भी दी गई है। अब दोस्तों जो मिडिल पोर्शन है ये भी देख लेते हैं। तो पूरा आपको मैं नीचे तक पहले दिखा देता हूँ, अच्छे से आप देख लीजिए। तो यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं है, अच्छी बात भी हो सकती है, तरीके से पॉजिटिव बात भी हो सकती है, क्योंकि आप जो सिस्टम चाहते हो वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे लगवा सकते हो। बहुत सारे सिस्टम बहुत अच्छे प्राइसेस में आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, नेविगेशन वाले मिल जाते हैं मार्केट में। जनरली लोग सोनी के प्रेफर करते हैं या जेवीसी के प्रेफर करते हैं, आपकी प्रेफरेंस क्या है जरूर बताइएगा। बाकी नीचे आप देखते हैं तो आपका जो हजार लाइट का बटन है वो आपको दिया गया है पियानो फिनिश के बीच में। एसी वेंट्स की डिजाइन आपको चेंज मिलती है, जो आप साइड में देखते हैं उससे आपको यहाँ पे चेंज डिजाइन देखने को मिल रही है। सिल्वर बॉर्डरिंग का यूज आप यहाँ पे भी देखते हो। और नीचे आते हैं तो आपके जो एसी कंट्रोल्स हैं, रोटरी नॉब्स दी गई हैं और सिल्वर फिनिश का यूज यहाँ देखने को मिलता है। एसी के बटन आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे नीचे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया, जी हाँ दोस्तों, बेस मॉडल में ही मिलता है तो अच्छी बात है। तो आप ऑन द गो अपने गैजेट्स चार्ज रख सकते हो। बाकी आपकी हो गई कन्वीनियंस स्पेसेस। और पीछे आते हैं तो 5-speed गियरबॉक्स मॉडल है विद रिवर्स, सिल्वर फिनिश का यहाँ पे यूज किया गया है और थोड़ा सा बढ़िया सा केबिन लगने लगता है बेस मॉडल के बावजूद। जनरली आप देखते हैं कि बेस मॉडल होता है तो लोग जो कंपनियां होती हैं वो सब चीजें हटा देती हैं, बिल्कुल सिंपल सा इंटीरियर लगता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। कंपनी ने थोड़ा सा कस्टमर का अच्छे से ख्याल रखा है और ये सब चीजें यहाँ पे दे दी हैं। बाकी यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं और इधर आपका जो हैंड ब्रेक है मिलता है आपको ब्लैक बटन के साथ। बाकी पीछे भी आपको यहाँ पे कन्वीनियंस स्पेसेस दे दी गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं को ड्राइवर साइड और यहाँ पे आप देखते हैं तो ओपन आपको जो स्पेसेस हैं वो दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं ओपन आपकी जो स्पेसेस हैं प्रोवाइड करी गई हैं। यहाँ पे जो नीचे ग्लव बॉक्स है आपको नॉर्मल मिलता है, यहाँ पे कोई भी आपका कूलिंग वेंट या आपको लाइटेड नहीं दिया गया है, नॉर्मल दिया गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पेपर वर्क जनरली यहाँ पे रहता है तो वो गीला हो सकता है, तो कूलिंग की जरूरत नहीं है। बाकी अब चेक करते हैं वैनिटी मिरर के लिए, तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है को ड्राइवर साइड। और ड्राइवर साइड चेक कर लेते हो, ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर अवेलेबल नहीं है। और इधर आपको कोई भी यहाँ पे आपकी जो केबिन लाइट्स है नहीं मिलती है। अभी पीछे चेक कर लेंगे कि पीछे सेंटर में दी गई है कि नहीं दी गई है। यहाँ पे दोस्तों अब मैंने पूरा जो इसका फ्रंट था, जो डैशबोर्ड था बेस मॉडल का, वो मैंने पूरा आपसे शेयर कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे ये भी बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर और भी वेरिएंट्स देखने हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। और भी किसी गाड़ी, किसी और कंपनी की गाड़ी का भी रिव्यू देखना तो प्लेलिस्ट ऑप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, सारे ब्रांड्स की प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। गाड़ी अभी तक अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जिसमें कि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जो शायद बेस मॉडल लेना चाहते हैं। क्या पता आप भी लेना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी अब चलेंगे पीछे वाली सीट में और पीछे बैठकर देखेंगे कि पीछे बैठने में कैसा लगता है, पीछे क्या क्या फीचर्स हैं, हैंड रेस्ट वगैरह है कि नहीं है, रियर एसी वेंट्स हैं कि नहीं है। तो लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार। तो यहाँ पे अब आप बेस मॉडल जो वेन्यू का है, ई मॉडल, उसका रियर सीटिंग देख रहे हैं। तो आपका जो हेडरेस्ट है ये आपको फिक्स दिए गए हैं, आपको यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं। आपका जो रियर डोर है वो आप देख लीजिए, तो आपकी बॉटल होल्डर हो गया, आपका जो बोल सकते हैं कि मैनुअल आपका विंडो ऑपरेटर है वो आपको दिया गया है, हैंडल आपको वैसे ही दिया गया जैसे आपने आगे देखा था, पूरा सिल्वर फिनिश के ऊपर। अब यहाँ पे जो चलते हैं अंदर, पहले चेक कर लेते हैं हैंड रेस्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको हैंड रेस्ट नहीं मिलता है, ये आप देख सकते हो, प्लेन सीटिंग यहाँ प्रोवाइड करी गई है। अब अंदर चल के जो इसकी लेग स्पेस है, हेड स्पेस है, वो देखेंगे।
तो यहाँ पे शुरुआत में ही मैं जब मॉडल मैंने रिव्यू करना स्टार्ट किया था इसका वेन्यू का, तो मैंने आपसे बोला था लेग स्पेस हो हेड स्पेस हो दोनों बहुत ही बढ़िया मिलती हैं। अभी आप यहाँ पीछे देख लो, सीट में इतना गैप है, अभी और पीछे आएगी कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 फीट मेरी हाइट है, बल्कि 6 फीट से थोड़ी ज़्यादा ही है, 6 फीट हाफ इंच है, और मैं आराम से यहाँ बैठा हुआ हूँ। बाकी यहाँ पे आपका जो केबिन लैंप है वो आप देख सकते हो, साथ में आपके जो ग्रैब हैंडल्स हो गए आपको तीनों डोर्स पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो इसका डैशबोर्ड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो यहाँ पे इतना कोई मेजर आपको फिटमेंट्स नहीं मिलती हैं, नॉर्मल आपको डैशबोर्ड यहाँ प्रोवाइड करा गया है। लेकिन जैसे मैंने आपसे आगे बोला था कि अगर कभी कभी सिस्टम नहीं मिलता है तो मेरे हिसाब से वो अच्छा ही रहता है, क्योंकि लिए आप अपनी पसंद का अपने प्राइस रेंज के हिसाब से सिस्टम लगा सकते हो। जनरली आपने देखा है जो कंपनी का सिस्टम आते हैं वो 35,000-40,000 के होते हैं, अगर आप अलग से रेट पता करो तो उससे काफ़ी बढ़िया दाम पे आपको और भी सिस्टम्स मिल जाएंगे मार्केट में, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपको अगर कंपनी फिटेड भी चाहिए तो आप यहाँ पे शोरूम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप टॉप मॉडल्स ले सकते हो। यहाँ पे दोस्तों मेरे हिसाब से जितने भी इसके फीचर्स थे स्पेसिफिकेशंस थे बेस मॉडल के मैंने सारे आपको बता दिए हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिल गई होगी साइड्स में शॉर्ट्स में हमेशा की तरह जैसे आप देखते हैं मेरे वीडियो में, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं छोड़ता हूं। बाकी फिर भी आपको लगता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लिंक विजिट कर सकते हो, टेस्ट ड्राइव भी बुक कर लोगे आप घर बैठकर। बाकी आपको वहां पे जो ई ब्रोशर है डिफरेंट डिफरेंट वेरियंट्स हैं आप उसकी स्पेसिफिकेशंस देख लोगे। तो यहां पे अब मैं वीडियो खत्म करता हूं। दोस्तों देखते रहिए ज्ञानी इनफ, शेयर करना लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉच।